हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ए टू सोल्यूशन में। आज हम करने जा रहे हैं कैनन LBP 2900 के ड्राइवर। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस बिट पे है और वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हमें करना है सबसे पहले कंप्यूटर के राइट क्लिक, जैसे राइट क्लिक करेंगे हमें करना है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी करने के बाद जैसे कि यहाँ पे है Windows 7 और ये सिस्टम टाइप 64 बिट, तो हमें अब करना है ब्राउज़र ओपन। अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें अपने ब्राउज़र में टाइप करना है कैनन LBP 2900 D 64 bit ड्राइवर। अब हमें करना है एंटर। जैसे ही हम एंटर करें सबसे पहले साइट ऊपर ली है, जैसे कि Windows 7 64 bit, इस पर करना है हमें क्लिक। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास ऑप्शन आता है डाउनलोड का, हमें इसको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद हमें करना है शो। शो करने के बाद हमें करना है शो इन फोल्डर। जैसे हम शो इन फोल्डर करेंगे इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेटअप, हमें इसको कर लेना है डबल क्लिक। यस करने के बाद अब ये फाइल होगी हमारी एक्सट्रैक्ट, तो इसको कर लेना है हमें ओपन। अब ये आ गया 64 बिट, इसको 64 बिट को ओपन करने के बाद हमारे पास आता है सेटअप एप्लीकेशन वाला, तो हमें इसको कर लेना है डबल क्लिक। यस नेक्स्ट। और जब भी आप प्रिंटर इंस्टॉल करो तो सबसे पहले आपको प्रिंटर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंटर को हटा लेना है USB को। उसके बाद आपने प्रिंटर को कर लेना है ऑन और USB को कर लेना है अटैच। हमारा जो ड्राइवर है वो प्रॉपरली हो गया है इंस्टॉल। उसके बाद हमें करना है स्टार्ट डिवाइस एंड प्रिंटर कैनन LBP 2900, जो कि हमारा प्रॉपरली ऐड हो चुका है। इसे हम कर लेते हैं प्रिंट प्रॉपर्टी, कर लेते हैं हम टेस्ट पेज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट पेज है वो चलना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।